मैं जानता हूं कि हम जब लोग छोटे थे तो उस वक्त महाफले नात का रंग क्या होता था। मैंने जहूरी साहब को सुना है कि जब वो नात पढ़ रहे होते थे आंखों से आंसू बरस रहे होते थे। कारी जुबैद रसूल साहब को मैंने सुना है कि जब वो नात पढ़ते थे तो अश्क बरस रहे होते थे। मैंने खालिद साहब को कहा कि हुसनैन खालिद साहब को बुलाओ, इसलिए कि जब ये नात पढ़ रहे होते हैं तो ये अजीब कैफ में डूबे होते हैं। और आज तो नई नस्ल ये नहीं देख रही। हमने जब महाफले नात देखी थी तो उस वक्त अशकों की बरसात होती थी और इश्क सीने में पैदा हुआ। और आज आर्टिस्ट स्टेजों के ऊपर आ करके मुख्तलिफ रंगों के पटके बांध के और औरतों जैसे लिबास पहन के और बरसते नोटों के अंदर जो कुछ कर रहे हैं उससे इश्क रसूल पैदा नहीं होता। इसलिए आपकी नस्ल को ज्यादा जरूरत है कि उन पर मेहनत करें कि उनके अंदर हुब रसूल पैदा हो, क्योंकि आपने जिनको देखा है इन लोगों ने उनको नहीं देखा। इस तरह जिन उलमा को आपने सुना है, हमने सुना है, जब वो बोलते होते थे लगता था इनकी पुश्त। और क्या आज स्टेजों के ऊपर डांस नहीं होते? आज लतीफे नहीं सुनाए जाते? आज क्या रसूलुल्लाह के दीन का तमाशा नहीं बन गया? अगर आप नाराज ना हो तो क्या आज मौलवी अपने खुतबे बेच नहीं रहे? 40-40 हजार की तकरीरें बिक रही हैं, लफ्ज बेचे जा रहे हैं, खुतबे बेचे जा रहे हैं, तो ये कौम ये नस्ल क्या सुन रही है? ये तो बदल हो रही है दीन से। इसलिए मां बाप ने संभालना इस नस्ल को। तीसरी बात, हमने जिन पीरों को देखा था जब उनके सामने जाते थे तो हमारे दिल डोलते थे कि जो दिल में खतरा आता है शेख की निगाह उस पर होगी, लेकिन अब पीर की निगाह दिल पे नहीं, दिल के ऊपर लगी हुई जेब पर है। तो आज पीर खुद जो है वो तालबे जर बन गया, तो अब ना तो पीर में वो रूप नजर आया, ना मौलवी में वो रूप नजर आया, ना नाथखा में वो रूप नजर आया। तो मुझे बताओ कि ये नई नस्ल कहां से दीन लेगी? अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा था कि अपनी नस्ल पर तवज्जो दो जब अमीर मिल्लत भी मौजूद थे। उस वक्त कहा था जब सैयद अहमद सईद काजमी बल्कि बाद के ये लोग हैं, उस दौर में कहा था। और आज तो हर लई में राजदारे दीन शुदे, आज तो ये मामला हो गया हुआ है। इसलिए मां बाप की जिम्मेदारी है, मैं कहता हूं डॉक्टर बनाओ अपने बेटे को, इंजीनियर बनाओ, वक्त की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले उसके आज के रसूल बनाओ। ये कहीं उसका सीना इस दौलत से महरूम ना रह जाए।